हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्दोष और मेरे चैनल टेक ज्ञान पर सबका स्वागत है। आज के वीडियो में अगेन हम बात करने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ के बारे में। टेक न्यूज़ में आपको बताना शुरू करो उससे पहले जरूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मेरे को वीडियो अपलोड करो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उस वीडियो को देख पाओ। साथ ही में अगर आपको मेरी मेहनत रिसर्च पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड हो, उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए अब देखते हैं कि आज क्या टेक न्यूज़ निकल के आई है। सो अब जो आज की पहली न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईफोन 15 सीरीज़ के प्रो मॉडल्स के बारे में। सो ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि एप्पल ने जो है जो डिस्प्ले यूज़ करने वाली कंपनी है दो सैमसंग और एलजी, उन दोनों कंपनियों को कहा है कि उनको जो है सिर्फ 1.5 mm बॉर्डर्स जो है चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट जो आपको बेजललेस डिस्प्ले जो है वो शायद आपको देखने को मिलने वाली है अब आईफोन 15 प्रो मॉडल्स के अंदर। सो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो है हमें क्या पता चलता है। हालांकि ये बॉर्डर वाली न्यूज़ बहुत पहले से भी आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले टेक न्यूज़ के अंदर बता चुका हूँ कि इस बार जो हमें पहले से कम बॉर्डर्स जो है वो देखने को मिलने वाली है, बट कितनी देखने को मिलने वाली है देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या न्यूज़ मिल पाती है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले वो है वीवो के स्मार्टफोन के बारे में, और मैं करूँ वीवो V29 सीरीज़ के बारे में जो वीवो की तरफ से टीज किया जा रहा है, जिसकी कुछ फोटोज़ जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सो अब देखते हैं कि वीवो की तरफ से वीवो का V29 सीरीज स्मार्टफोन जो है वो हमें कब तक लॉन्च होते देखने को मिलता है, कौन सा स्पेसिफिकेशन के साथ और कौन सी प्राइस पर हमें लॉन्च होते देखने को मिलता है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में है, और रियलमी GT सीरीज़ जो है अब वो चाइना में लॉन्च होने जा रही है, जिसके बारे में बीच में ही जिक्र किया था। सो अब जो एक पोस्टर निकल के सामने आया जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो रियलमी GT 5 सीरीज़ जो है वो चाइना में लॉन्च होने जा रही है, और ये आपको जो है 28 से लेकर 31 जुलाई के अंदर जो है आपको ये लॉन्च होते देखने को मिलने वाला है। दो मॉडल्स हमें देखने को मिलने वाला है, GT 5 और GT 5 Pro। GT 5 8 Gen 2 के ऊपर रन करने वाला है और GT 5 Pro जो है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के ऊपर हमें रन करता हुआ देखने को मिल सकता है। सो अब देखते हैं कि कौन सा मॉडल जो है वो सबसे पहले हमें अनाउंस होता हुआ देखने को मिलता है चाइना के अंदर, कौन सी प्राइस पे। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है व्हाट्सएप के बारे में, व्हाट्सएप पे नए फीचर्स के बारे में है, और ये अपडेट है iOS डिवाइस के अंदर आई है। सो उनकी कुछ अपडेट्स की कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर जो है अब आप जो है चैट जो है आईफोन में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर पाओगे, लैंडस्केप वीडियो कॉल है वो भी कर पाओगे, साथ ही में और कुछ अपडेट्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ ही में इसके आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि व्हाट्सएप चैट जो ट्रांसफ़र करनी है उसके भी स्टेप्स यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। साइलेंस अननोन कॉलर्स के भी जो स्टेप्स है आप कैसे कर पाओगे सेटिंग्स में जाके, वो भी आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो आप पॉज करके पढ़ लेना, जो भी फीचर आपको आपके काम का लगे तो आप उसे जो है इस स्टेप्स से जो है फॉलो करके आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। और अगर ये स्टेप्स अगर ये अपडेट्स भी पसंद आती है आपको तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना कि हाँ आपको ये अपडेट ऐसी पसंद आती है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है और एक रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में, और मैं तो रियलमी 11 के 4G वेरियंट के बारे में है। मैंने एक दो दिन पहले आपको जो है जो टेक न्यूज़ बताई थी उसके अंदर मैंने आपको इसके फोटो स्पेसिफिकेशन दिखाए थे। अब ये स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, बट इंडिया में नहीं, वियतनाम के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, जिसका पोस्टर निकल के सामने आया जो मैं आपको पे दिखा रहा हूँ। 31 जुलाई को जो है ये रियलमी 11 4G जो है वो वियतनाम में लॉन्च होने जा रहा है। सो अब देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी प्राइस पे लॉन्च होता है, और वियतनाम में यानी कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, यानी कि मान के चले बहुत जल्दी हमें ये स्मार्टफोन इंडिया में भी अगस्त में भी शायद हमें लॉन्च होते देखने को मिल सकता है। सो अब देखते हैं कौन सी प्राइस पे इंडिया में आने वाले टाइम के अंदर हमें लॉन्च होते देखने को मिलता है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले वो है शाओमी के बारे में, और मैं बताऊँ शाओमी के टीवी के बारे में है। तो जिस दिन यानी कि 1 अगस्त को जो है रेडमी 12 लॉन्च हो रहा है उसी दिन जो है शाओमी की ये टीवी एक्स सीरीज़ जो है वो भी हमें लॉन्च होते देखने को मिलने वाली है। 4K टीवी मॉडल्स इसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं लॉन्च होते हुए। सो अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे कितने मॉडल्स जो है वो हमें इस शाओमी की टीवी एक्स सीरीज़ के अंदर जो है वो लॉन्च होते देखने को मिलते हैं। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओप्पो के बारे में। सो एक फ़ोटो निकल के सामने आया है, जो फोटो है स्मार्टफोन का वो मैं आपको पहले स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर हमें ट्रिपल रे कैमरा का सेटअप जो है वो देखने को मिल रहा है, साथ ही में कर्व डिस्प्ले जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, और साथ ही में NBTC सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है ओप्पो फाइंड N3 जो है वो भी हमें देखने को मिला है। यानी कि ये दो चीज़ें जो है वो ओप्पो के में देखने को मिली है, एक तो एक नया स्मार्टफोन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, और एक ओप्पो फाइंड N3 के नाम से जो हमें और एक मॉडल NBTC सर्टिफिकेशन जो क्लियर किया है वहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अब देखते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन जो मैंने आपको फोटो में दिखा है वो कौन सा है, या फिर ये ओप्पो फाइंड N3 सीरीज़ का एक स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है कि नहीं, देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें और क्या न्यूज़ मिल पाती है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी 12 के बारे में है। सो रेडमी 12 का जो है हालांकि ये अपडेट हमें मिल पाई अभिषेक यादव की तरफ से, सो लाइव इमेजेस जो है वो निकल के सामने आई है, जो मैं
आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, साथ ही में उनकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि Redmi 12 5G जो वेरिएंट है उसके अंदर हमें दो स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, 6GB रैम प्लस 128 और 8GB रैम प्लस 256GB, जिसकी प्राइस जो है वो हमें 13,999 देखने को मिल सकती है। और साथ ही में Redmi 12 जो 4G वेरिएंट होगा उसके अंदर भी दो वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, 4GB रैम प्लस 128GB और 6GB रैम प्लस 128GB, जिसकी प्राइस 9,999 रुपीज़ से जो है हमें स्टार्टिंग होते हुए देखने को मिलने वाली है। हालांकि अब थोड़ी दिन दूर है उसके लॉन्च से, 1 अगस्त को ये लॉन्च होने वाला है, सो देखते हैं कि कौन सी प्राइस पर क्या ऑफर्स में हमें जो है Redmi की तरफ से ये Redmi 12 स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलता है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है अगेन एक Realme के ही स्मार्टफोन के बारे में, और मैं कहूँ Realme C51 स्मार्टफोन के बारे में ये अपडेट हमें मिल पाई है पैशन गीक्स की तरफ से। सो इसके फोटोज और स्पेसिफिकेशन जो है पहले तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर हमें 6.7 इंच का डिस्प्ले, यूनी एसओसी T612, साथ ही में ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप, 50+8 या फिर 5 का हो सकता है, 5000mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जिंग, और साथ ही में SD कार्ड का सपोर्ट हमें देखने को मिलने वाला है, 4GB रैम देखने को मिलने वाली है, और कुछ दो कलर के अंदर जो है हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है वो फिलहाल लॉन्च होना बाकी है, बहुत जल्दी हमें इसका लॉन्च भी जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं कौन सी तारीख को और कौन सी प्राइस के ऊपर जो है हमें ये एक सी सीरीज का बजट स्मार्टफोन जो है Realme की तरफ से लॉन्च होते हुए देखने को मिलता है। अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक एप्लीकेशन के बारे में, और मैं बताऊँ ChatGPT के बारे में। तो ChatGPT जो है अब एंड्रॉइड के ऊपर अवेलेबल है, सो अगर आप चाहो उसे यूज़ करना चाहते हो तो आप जो है इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। सो अब हम आज की आखिरी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के बारे में, और मैं कहूँ सैमसंग का F34 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिसका पोस्टर निकल के सामने आया जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जो है F34 जो ये स्मार्टफोन है, अब इसके अंदर हमें 120Hz वाला SMR डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, 50MP का नो शेक कैमरा जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है, हालांकि कैमरा सेटअप ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है। और अब देखते हैं कि ये कब तक लॉन्च होता है हमें देखने को मिलता है, पर बहुत जल्दी जो है ये लॉन्च होने वाला है और फ्लिपकार्ट के थ्रू जो इसका सेल हमें होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे सैमसंग इसे जो है इंडिया में लॉन्च करती है। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। साथ ही में अगर किसी प्रोडक्ट को लेकर कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर कू ऐप पे जाके टैगज्ञान सर्च कीजिए, टैगज्ञान फॉलो कीजिए, और वहाँ पे आप DM करके अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो। मैं जितना जानता हूँ उतना आपको गाइड करने की जरूर कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।